लाहौर जाता था म्यूज़िक वीडियोस करने के लिए, कमर्शियल्स करने के लिए, तो वहाँ पे मैं बोलता था मैं कोयटा से हूँ, तो वो समझते थे अच्छा कोयटा किधर है, पेशावर में है, पेशावर में नहीं है तो अच्छा वो कहाँ है, मैं बोलता था वो बलूचिस्तान में। अच्छा बलूचिस्तान में तो लोग पेंट शर्ट नहीं पहनते, बलूचिस्तान में तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, बलूचिस्तान में तो लोग अनपढ़ हैं। नौ में मैंने स्टार्ट किया था YouTube और वो शौक़ इस तरह पड़ गया कि मैं लोगों के वीडियोस देखता था YouTube के ऊपर, लोग वीडियोस बनाते थे और मुझे शौक़ था कि मैं एक्टिंग करूं वीडियोस में और फ़नी वीडियोस बनाऊं इस तरह की। मैं अपनी वीडियोस बना रहा था 2018 तक, तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि ये जो मैं काम अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने बलूचिस्तान के लिए क्यों ना करूँ, टूरिज़म को प्रमोट क्यों ना करूँ। सोचा क्यों ना यही मैं एक जो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब, मैं इससे सारा कुछ करके वीडियोज़ बना के लोगों को दिखाऊँ, जिस शहर की या जिस सूबे की आपको समझ नहीं है मैं वो आप लोगों को दिखाऊं, और वही मैं करता आ रहा हूं पिछले 4 साल से। तकरीबन मैंने 100 से ज़्यादा 130 आई थिंक वीडियोस बना लिए जो कि बलूचिस्तान के ऊपर हैं, और उसको एक वीडियो को बनाने में कोई वीडियो होती है जिसके लिए महीनों लग जाते हैं, कोई वीडियो होती है जो कि 3 दिन में 4 दिन में वीडियोस बन जाती हैं। मतलब मेरे साथ कभी इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ कि किसी ने कुछ गलत बोल दिया हो, या मैं कहीं पर गया हूँ तो किसी ने बोला कि आप यहाँ पर वीडियोज़ नहीं बना सकते या ये नहीं कर सकते। मैं जहाँ पर गया हूँ बलूचिस्तान में मुझे पॉजिटिविटी मिली है। मैं स्टोला आइलैंड गया था और वो पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो जज़ीरा है, और पूरे पाकिस्तान को नहीं पता। लोग मालदीव जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ जाते हैं, वहाँ पे घूमते हैं फिरते हैं, उनको ये नहीं पता कि उसी तरह का सेम जगह जो है हमारे बलूचिस्तान में ही है, जो कि पसनी से 40 किलोमीटर दूर है सरताऊँ। मेरा गोल हमेशा से यही रहा कि मैं अच्छाई दिखाऊँ बलूचिस्तान की। मैं पूरे सूबे में घूम चुका हूँ और ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते, और वहाँ पर जाके मैंने देखा कि यहाँ के लोग जो है बहुत अमन पसंद लोग हैं।